मैं तो पहले ही कहता रहा हूँ कि अब राजाओं के राज नहीं, लोगों के गढ़ नहीं, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, और फील्ड में वही रहेंगे जो लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत को किस तरह से देखते हैं? मैंने बताया ना कि जो काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, लोग उन्हें चुनेंगे। अच्छा, पांच राज्यों में कांग्रेस की बड़ी स्थिति बुरी देखने को मिली, कहीं कांग्रेस तो जीरो होती जा रही है, और थोड़ा बहुत बचा है वो निकट भविष्य में हो जाएगा। बाकी जाए अकाली दल की, वो भी अपना वजूद नहीं बचा सकी, चार सीटों पर रह गई। हाँ, अकाली दल को जिताने के लिए यहाँ से भी कई लोग गए थे, और जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के भावा मंटाधार। क्या माना जाए कि क्षेत्रीय पार्टियाँ खत्म होती जा रही हैं, जैसे पंजाब में या दूसरे जो राज्य हैं उसमें? जो दोगली भाषा बोलेंगे, दोगले काम करेंगे, उनका यही असर होगा। पंजाब में कुछ कहते हैं, हरियाणा में कुछ कहते हैं, लोगों के बीच में जा कर के कहते हैं, कुछ काम करते हैं कुछ। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आने वाले टाइम में हरियाणा में भी आप पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार बनाने का दावा। हर पार्टी अपना प्रयास करती है, वो करेंगे, पहले भी किया है, हमारे साथ मिल करके भी किया था। फैसला तो प्रजातंत्र में जनता को करना है। क्या आपको लगता है कि पंजाब की राजनीति का दूसरे राज्यों में फर्क पड़ेगा आप पार्टी के लिए? हर प्रदेश की अलग अलग फील्ड है, अलग अलग कार्य क्षेत्र है, उसमें कोई एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। निकाय चुनाव आएंगे, क्या हम तो निरंतर प्रयासरत हैं, बता रहा हूँ ना कि परिवार बढ़ा रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। कल भी मेरे फरीदाबाद में, रोहतक में कार्यक्रम है। बात की जाए कि हरियाणा का बजट भी पेश हुआ है, किस तरह देखते हैं? बजट सबके लिए बेहतर बजट है, इससे बढ़िया बजट और हो ही नहीं सकता प्रदेश के लिए।